आपका स्वागत है टेक बैक चैनल पे। आज हम बात करने वाले नॉइज़ बर्ड एस के बारे में, इसके परफॉर्मेंस के बारे में और इसके क्वालिटी के बारे में, इसके जो प्रोज और कौन से उसके बारे में हम जानेंगे। तो ये बर्ड आपके लिए सुटेबल है कि नहीं है तो इसके बारे में और जानेंगे। तो पूरा वीडियो देखिए। तो दोस्तों ये है नॉइज़ बर्ड एस, इसका फ्रंट कवर यहाँ पे पिक्चर दिया है और तो बैक साइड में उन्होंने फीचर मेंशन किया है। यहाँ पे लिखा है 30 mm ड्राइवर, ब्लूटूथ 5.3, हाइपर सिंक कनेक्टिविटी दिखाया है वहां पे और इंस्टा चार्ज दिखाया है। बाकी यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है 1 ईयर वारंटी का। तो ओपन करते हैं इसको, तो काफी अच्छा लुक पैकेजिंग उन्होंने किया है इस ईयर बर्ड का। इसके साथ जो मिलता है उन्होंने दिया है स्टिकर, वारंटी कार्ड, इंस्ट्रक्शन मैनुअल दिए है यहाँ पे और यहाँ पे यूजर मैनुअल दिया है जहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, चार्जिंग कैसे कर सकते हैं और वारंटी थिंग्स। तो हम इसको साइड में रखते हैं, तो प्रोडक्ट को ओपन करते हैं। प्रोडक्ट के साथ ये है केस, इसको ओपन करता हूँ मैं और इसके साथ उन्होंने दिया है सी टाइप का चार्जर। तो इसको भी हम ओपन करते हैं, देखते हैं कि कैसे है इसके। तो उन्होंने यहाँ पे सी टाइप का चार्जर दिया हुआ है। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे तो इसके जो फिनिशिंग है और वो प्रोडक्ट काफी प्रीमियम के हिसाब से दिख रहा है। ये है प्लास्टिक बॉडी और इसका जो उन्होंने दिया है वो मैट फिनिश दिया है, तो दिखने में काफी ये अच्छा दिख रहा है। और इसको हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे उन्होंने दिया है ईयरबड्स, तो हम इसको निकालते हैं और देखते हैं। तो ये है ईयरबड्स नॉइज़ बड्स। लुक वाइज अगर देखेंगे तो ये भी प्लास्टिक बॉडी है और उस पर उन्होंने मैट फिनिशिंग दी है, तो उसकी वजह से काफी अच्छा और प्रीमियम लुक आ रहा है। ये जो ईयरबड है इसके जो है 30 mm ड्राइवर दिए है, तो उसका साउंड क्वालिटी हम चेक करेंगे। कनेक्टिविटी ये ब्लूटूथ 5.3 और वायरलेस रेंज है इसका 10 मीटर तक और ये ब्लूटूथ सपोर्टेड है, HBC और AAC कंपैटिबल है विद एंड्रॉइड और iOS। उसका जो प्ले टाइम है अप टू 1 आवर्स ऑन अ सिंगल चार्ज है और 18 आवर्स फॉर विद चार्जिंग केस उन्होंने मेंशन किया है। और ईयरबड चार्जिंग का जो टाइमिंग लगता है उनको तो वो 30 मिनट्स का लगता है और इसका जो चार्जिंग केस है जो चार्ज होने का वो 1.5 घंटे का है। और ये जो है वाटर रेजिस्टेंस रेटिंग दी है IPX4, तो आप वर्कआउट करते समय इसको यूज कर सकते हैं। ये ईयरबड्स का वेट है 3 ग्राम्स का और इसका चार्जिंग केस है मीडियम साइज का, तो ज्यादा लार्ज नहीं ज्यादा स्मॉल नहीं। तो उन्होंने यहाँ पे इधर मेंशन दिखा है यह चार्जिंग इंडिकेटर से, तो यहाँ पे अगर आपकी बैटरी लो होती है ईयरबड की तो यहाँ पे रेड इंडिकेशन दिखाएगा। ब्लूबेस टेक्नोलॉजी है, इंस्टा चार्ज है और हैंड फ्री कॉलिंग है, वॉइस असिस्टेंट है, गूगल असिस्टेंट है। तो हम इसको और डिटेल में जानेंगे इसका जो साउंड क्वालिटी कैसा है, तो देखते हैं इसके बारे में। और दोस्तों यहाँ पे ये ईयरबड्स है काफी चारकोल ब्लैक कलर के है ये, और इसमें वेरिएशन मिलते हैं कलर के, मेन कलर व्हाइट कलर के मिलते हैं ईयरबड्स, आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। और मैं अभी ट्राई करता हूँ इसको वेयर करने का, तो ये ईयर पे काफी अच्छी तरह से फिट हो रहे हैं, कम्फर्टेबल है। सिर ले रहा हूँ मैं और जहाँ पर रहा हूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये जो लॉकिंग सिस्टम है काफी अच्छी तरह से उन्होंने फिट किया है, तो कंफर्टेबल है। 3 ग्राम वेट होने के कारण इतना हेवी भी नहीं लग रहा है इसको, और मैंने ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटे गाने सुने इस ईयरबड्स पे, तो काफी कंफर्टेबल है ये। अगर मैं रेटिंग देना चाहूंगा इसको तो मैं 5 स्टार दूंगा एज अ कम्फर्टेबल। अभी हम इस पे गाना सुनते हैं कि इसकी जो साउंड क्वालिटी है कैसी है। लैपटॉप पे मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये कम्फर्टेबल विद द लैपटॉप भी है और ये फोन भी है, तो मैं और कंपेटेबल विद एंड्रॉइड भी है और iOS भी है, तो मैं लैपटॉप पे कनेक्ट करके इसको प्ले करता हूँ। तो इसकी जो साउंड क्वालिटी है काफी अच्छी है। इसका जो बेस है काफी तगड़ा है, जो लो है मिड है और जो हाई है वो बेस के साथ जब मिक्स होता है तो उसका जो साउंड आता है वो काफी अच्छा है। और जो सिंगर के जो वॉइस है काफी अच्छे क्लियर से पता भी चलते है, तो क्रिस्टल क्लियर साउंड क्वालिटी भी है इसके अंदर। अगर इसको रेटिंग करूं म्यूजिक के हिसाब से तो मैं इसको 4.5 रेटिंग दूंगा क्योंकि गाने काफी अच्छे बज रहे हैं, उसका वॉल्यूम भी काफी अच्छा है बड़ा। इसके जो प्रोज और कॉन्स के बारे में अगर बात करें, प्रोज है कि इसकी जो म्यूजिक क्वालिटी है काफी अच्छी है, 30 mm ड्राइवर होने के कारण उसका बेस और इसके लो मिड हाई अच्छी तरह बजते हैं। और कंफर्टेबल लेवल अगर बात करेंगे तो 3 ग्राम होने के कारण
काफी अच्छे तरह से वो कंफर्टेबल है, आपके ईयर पेन नहीं करते, आप 3 घंटा म्यूजिक सुनो तभी भी उसको आपको इतना दर्द नहीं करते। वर्कआउट करते समय आप वर्कआउट करोगे तो इसके जो लॉकिंग सिस्टम है वो भी काफी अच्छे है, तो वर्कआउट करते समय ये गिरते नहीं है, तो वो भी एक अच्छा बेनिफिट है। और कॉन्स की बात करेंगे तो अगर केस के अंदर उन्होंने इंडिकेटर मेंशन किया रहता है कि परसेंटेज वाइज की इसको 100% चार्ज हुआ है, 80% चार्ज हुआ है, तो वो पता चलता है कि बैटरी कितना चार्ज हुआ है, तो ये एक सिर्फ केस के अंदर है। और दूसरा जो है कि ये गेम बोर्ड का उन्होंने दिया नहीं है इसके अंदर, तो यहाँ पे सिर्फ अपना वॉइस असिस्टेंस है, कॉल असिस्टेंस है, वॉल्यूम प्लस माइनस है, म्यूजिक के जो फंक्शन है वो सारे इसके अंदर है, गूगल असिस्टेंट है, सीरी असिस्टेंट है, ब्लूटूथ 5.3 कनेक्टिविटी दिया है, इंस्टेंट कनेक्शन होता है लैपटॉप के साथ और मोबाइल के साथ, पर जब मैं मोबाइल से अगर लैपटॉप पे जाता हूँ तो वो पेयरिंग के लिए थोड़ा सा टाइम चला जाता है, क्योंकि मुझे मोबाइल में ऑफ करना पड़ता है फिर वो लैपटॉप में ऑन होता है, तो उसके लिए मुझे 15 से 20 सेकंड चले जाते हैं वो कनेक्शन करने के। तो आपको अगर सिर्फ म्यूजिक सुनना है और कंफर्टेबल फील करना है ईयर को, तो ये प्रोडक्ट आपके लिए बेस्ट है, आप खरीद सकते हैं। ये तो मेरा ओपिनियन हो गया, आपका ओपिनियन क्या है आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, और इसके बारे में कुछ आपको पूछना रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं उसके जवाब देने की कोशिश करूंगा। प्राइस पॉइंट ऑफ से अगर देखूंगा तो ये फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे अराउंड 1500 में मिलता है, और ये फेस्टिवल ऑफर रहेगी तो ये अराउंड 1000 के पास मिलता है। ये मैंने क्रोमा के स्टोर में ऑलमोस्ट 1200 रुपये में खरीदा। ऑनलाइन अगर देखेंगे तो क्रोमा की वेबसाइट पे भी उसकी जो रेंज है वो 1500 के आसपास है, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए आपके जो सवाल रहेंगे। ऐसे ही मैं अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता रहूंगा, तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को।